रतनगर नगर पालिका क्षेत्र में तपोवन लाइब्रेरी का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर और उपाध्यक्ष असगर खान के द्वारा किया गया। तपोवन लाइब्रेरी संचालक कपिल कुमार नायक ने बताया कि नगर पालिका रतनगर और थैलासार पंचायत में किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोई भी कोचिंग और लाइब्रेरी नहीं होने कारण इस क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को जयपुर सीकर चूरू जाना पड़ता है। बताइए, तपोवन लाइब्रेरी आपने स्टार्ट की है, ये किस माध्यम से, किस कारण से स्टार्ट की गई? सर, मैंने यहाँ पे तपोवन लाइब्रेरी के नाम से मैं रतनगर में ओपन की है। तो यहाँ पे हमारे मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो हमारे गांव के बच्चे, काफ़ी बच्चे, गर्ल्स बॉयज सभी यहाँ पे चोरू जाते हैं, जयपुर जाते हैं एक शांत माहौल पढ़ने के लिए। इसलिए हमारे गाँव के काफ़ी बच्चे से परेशान होते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने मेरे पूर्णिया दादाजी और श्री मुकुंदराम जी, अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक है, उनके प्रेरणा से और मेरे पूर्णिया पिताजी श्री शंकरलाल जी, नायक, उनकी प्रेरणा से मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे गांव में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसके मतलब तपोवन का रखने का मेरा मकसद है, तप या तपस्या होती है, और वन एक आश्रम जैसे वैव आश्रम जहाँ पर कुछ अच्छे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इसीलिए मैंने ये तपोवन नाम रखा है। इसका मेरे दादाजी और पूजने पिताजी के माध्यम से मैंने ये प्रेरणा से ये किया है। इससे हमारे गांव के काफ़ी बच्चों को एक शिक्षा के माध्यम से काफ़ी सहयोग मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत अच्छी सुविधा रहेगी और आसपास के गांव भी आप बच्चे कवर होंगे। इससे आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत सा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सर कपिल कुमार नायक है, पिताजी श्री पूजनीय श्री शंकरलाल जी नायक है।